ਨਾ ਮੇਰਾ ਫੋਨ ਤੋਂ ਵੀਡੀਓ ਬਣਦੀ ਪਈ ਕੋਈ ਖਾਸ ਫਰਕ ਤੇ ਨਹੀਂ ਦਿਖਦਾ ਪਿਆ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖੇਗਾ ਮੈਨੂੰ ਭੋਲੂ ਲਾਲ ਵੀ ਸੇਮ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਪੇਦੀ ਵੀ ਸੇਮ ਮੈਨੂੰ ਚਾਬੀ ਤੋਂ ਮੈਂ ਦੁਪੱਟਾ ਕੱਢਣਾ ਹੈਗਾ ਆਈ ਡੋਨਟ ਹੈਵ ਦ ਕੀਜ਼ ਹੈਲੋ ਜੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਵੈਲਕਮ ਬੈਕ ਟੂ ਅਵਰ ਚੈਨਲ ਹੈਪੀ ਧਨਤੇਰਸ ਟੂ ਆਲ ਆਫ ਯੂ ਸੋ ਅੱਜ ਹੈ ਧਨਤੇਰਸ ਆਪ ਸਭ ਕੋ ਧਨਤੇਰਸ ਕੀ ਬਹੁਤ 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 ਵਧਾਈਆਂ ਸੋ ਅਭੀ ਹਮ ਲੋਗ ਜਾ ਰਹੇ ਹੈ ਪੂਜਾ ਕਰਨੇ ਕੇ ਲੀਏ ਧਨਤੇਰਸ ਕੀ ਤੋ जो सामान था पूजा के लिए बर्तन वगैरह वो हम लेके आ चुके हैं तो अभी सबसे पहले पूजा करेंगे फिर आपसे मिलेंगे सांझ चढ़े हुए नो और चीज़ है बहुत से नए सब्सक्राइबर मेरे यूट्यूब चैनल पे जुड़े हैं जिनको नहीं पता मेरी फैमिली के बारे में लाइक चेरी बबू चाचा कौन है तो मैं दोबारा से एक्सप्लेन थोड़ा सा कर देती हूँ कि चेरी जो है वो मेरी रियल सिस्टर इन लॉ है और बबू चाचा जो है हमारे चाचा जी हैं सो यही हमारी छोटी सी फैमिली है मनहीर है जो मुझे देख रही है कि मैं क्या बातें कर रही हूँ जैसे उसे सारा कुछ समझ में आ रहा है तो बस यही है हमारी फैमिली जो है चेरी की शादी हो चुकी है मेरे साथ ही हुई थी एक हफ्ता पहले तो मेरी एक हफ्ता बाद हुई थी दो साल हो चुके हमारी शादी को तो आई थिंक ये छोटी सी इन्फॉर्मेशन है जो मैं चाहती हूँ कि आप लोगों को दूँ क्योंकि काफ़ी कमेंट्स नीचे आते हैं तो कई पूछते चेरी कौन है बब्बू चाचा कौन है ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਵੀ ਮੈਸੇਜ ਆ ਰਿਹਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਅੱਜ ਕੱਲ ਮੈਸੇਜ ਤੁਹਾਡੇ ਚੋਂ ਬੜੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮੈਸੇਜ ਇਹ ਵੀ ਆਏ ਇਹਨਾਂ ਚੋਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਵਲੌਗ ਦਾ ਮੈਸੇਜ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ YouTube ਦਾ ਕੁਝ ਗਲਿਚ ਹੈ ਨਾ ਮਤਲਬ ਐਲਗੋਰਿਥਮ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਕਾਫੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾ ਮੈਸੇਜ ਆਏ ਨੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਆਂਦਾ ਹੁਣ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਕੁਝ ਗਲਿਚ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਯਾਰ ਉਹ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਦੇਖਿਆ ਰਾਤ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਵੇਟ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਦਿਖਿਆ ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਰਾਤ ਨੂੰ ਸਰਚ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਦਿਖਿਆ ਕੁਝ ਤਾਂ ਲਫੜਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ YouTube ਠੀਕ ਹੈ ਯਾਰ ਹੋ ਜੂਗਾ ਸੈੱਟ ਹੋ ਜੂਗਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਤੇ ਮੇਰੇ ਬੇਕ ਹੈ ਇਹ ਨਵੇਂ ਫੋਨ ਤੋਂ ਵੀਡੀਓ ਬਣ ਰਹੀ ਯਾਰ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਕੋਈ ਫਰਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਕੋਈ ਫਰਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੇ ਤੇ ਹੁਣ ਵਾਲੇ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਲੀਜ਼ ਟੈਲ ਮੀ ਜਿਹੜਾ ਫਰਕ ਆਏਗਾ ਉਹ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਜੇ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਵੀਡੀਓ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਵਾਂਗੇ ਫੋਟੋ ਖਿੱਚ ਕੇ ਆਫ ਕੋਰਸ ਦੇਰ ਇਜ਼ ਅ ਹਿਊਜ 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 ਡਿਫਰੈਂਸ ਉਹ ਜੋ ਸੀ ਉਹ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਬਲਰ ਆਉਂਦੀ ਸੀਗੀ ਥੋੜੀ ਸ਼ੇਡੀ ਸੀਗੀ ਵੀਡੀਓ ਔਰ ਆ ਜੋ ਹੈ ਕਲੀਨ ਹੈ ਕ੍ਰਿਸਟਲ ਕਲੀਅਰ ਦੱਸੋ ਯਾਰ ਦੱਸੋ गाइज पूजा हो चुकी है धनतेरस की और अब हम शुरू करेंगे पैकिंग जो बड़ा बड़ा सामान है फटाफट उसको एक साइड रख देते हूँ और उसके बाद फिर मार्केट जाके आना है कुछ सामान लेके आना है देखते क्या क्या करना है पटियाले लोग चलो निकलते वैसे 9:30 बजे एक टाइप बस फिर पैकिंग ही है पैकिंग होने लग जाती है दुकाना तो बंद हो जाती है 8-9-10 बजे तक चलता है 8-9 बजे तक तो चलते चलता बारिश हो रही है और हम आए थे और इसको इस तरह से हमने पूरा कवर कर बेबीज डे आउट इन कैरी कॉट जाग दिया उधर आ जाओ उधर कर लो इधर कर लो कॉन्वर्स सेफ रहेगी अपने नाम तो मनहीर मनहीर
ਉੱਪਰ ਕਰ ਦਈਏ ਤੇ ਸੋ ਬਾਰਿਸ਼ ਇਜ਼ ਹੋ ਤਾਂ ਰਹੀ ਆ ਹੋ ਰਹੀ ਆ ਪਰ ਠੀਕ ਹੈ ਭੱਜ ਕੇ ਜਾਣਾ ਪੈਣਾ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਗੱਡੀ ਇੱਥੇ ਲਿਆਓ ਸੋ ਜੀ बारिश 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 रेनिंग वेरी बैडली। देखो हाई बीम रख के आ रहे हैं भाई जी। इन्होंने शायद पता ही नहीं होना कि हाई बीम कुछ होता है, बोले सीखे ही नहीं कि शहर च तुसी हाई बीम ना रखो तो ही चंगा होता है। अच्छा जी क्या आ जाएगी यार? किमे आ जुगी है? हाँ हाँ चिनो लगा के देख लो। देख ओते दी हो भी था ना तनिया जी हैं। तनिया होंगे किमे तो। हाँ हाँ बहुत आराम ना आएगी। अरे नहीं तनिया तनिया भी तो होनी है। हाँ तो तनी मार तनिया भी होनी है। मीन पॉक छोटी हो जुगी। डायपर वगैरह नजर आएगा। हाँ तो निकर दे नाल पवा दो फ्रॉक। हाँ ये कर सकते हैं। निकलना पवा दो ना। ठीक है विक्की लेके आया था इसके लिए स्पेशली कि जब आप किसी रिलेटिव के घर में जाओ तो पॉकेट साथ में लेके जाओ क्योंकि वो माय गॉड। सत श्री अकाल दोस्तों, वेलकम बैक पों पों टू आवर चैनल। सो जी लाइट पे रिया मनहीर दी हो रही है पैकिंग। जिहड़ा इहदा समान है यार फिर तुम कहो पिछे पानी का जग पे अं फ नहीं तो जी हूँ मनीर की पैकिंग करके असं समान सारा भेज रहे दसरी है क्योंकि जो फ्लाइट च लेके जावे फिर साडा समान भी होएगा है ना। एंड वो समान फिर क्या होता है ज़्यादा हो जाता है फिर वो एक एक लिमिट से ज़्यादा। और अभी तो नया रूल निकाला है एयरलाइंस वालों ने कि 15 किलो से एक पॉइंट भी ज्यादा नहीं होना चाहिए। तुसी भी अपने लेके नहीं जाने देंगे शायद। तुसी अपने कुरियर कर लियो तुसी भी। मेरे तो भाई नहीं। नहीं पर फिर भी कर लियो कि लास्ट मोमेंट पे भाई मुंडे का की हुंदा यार मैं तो वीको टर्मरिक ला के चले जाना तो वो अब इसका जो सामान है वो हम पहले ही भेज देंगे कुरियर से। जो जरूरी है वो रख लेंगे और बाकी सामान इसका पहले ही भेज देंगे कुरियर से। वो हमारे पहुंचने के 2-3 दिन बाद हमें वहाँ मिल जाएगा जिसमें सारे कपड़े वपड़े इसके होंगे। जो ज़रूरी सामान है वो हम साथ लेके जा रहे हैं। उसमें इजी ये रहेगा एक तो ट्रैवल में बैग हैवी नहीं होगा दूसरा क्योंकि अभी क्या है ना हाँ। आपको मनीर का भी बैग लेके जाना है। हाँ देन वी हैव लैपटॉप बैग टू। हाँ लैपटॉप बैग उसके बाद दो बैग लेने हो जाएंगे। एकदा हो जाए एक तो अड्डा हो जाएगा। मेरे तक कपड़े में सारे कुरियर कर रही हूँ बाकी एक छड़ के जाऊंगी मैं। कपड़े कुछ नहीं लगे जा रही है तो उसी भी अपना कोशिश करे ठीक। सो पैकिंग हो रही है और शाम को हम जाएंगे फार्म। मैं जाऊंगा मतलब वहाँ पे लाइटें वाइटें लगवा के आनी है तो देखते हैं।